हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे इन दिस वीडियो वी डू वर्कशीट थ्री इन यूनिट एट टाइम एंड कैलेंडर सो लेट्स वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द सम सम इट मीनस आपको एडिशन करना है तो जितने भी यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं जितने भी टाइमिंग uh, दिए गए हैं उसे आपको ऐड करना है तो क्वेश्चन नंबर ए टू तो आवर्स टेन मिनट्स एंड थ्री आवर्स ट्वेंटी तो मिनट्स तो आपको ऐड करना है तो आपको सबसे पहले ये लर्न रखना है कि एडिशन कर ये सिंपल एडिशन ही जैसा है बट इसमें क्या है कि सिक्सटी मिनट इज़ इक्वल टू वन आवर आपने अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसे लर्न कर लेना तो वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट तो जब आप मिनट्स मिनट्स को मिनट्स के साथ जब ऐड करोगे और सिक्सटी मिनट्स आएगा इट मीन्स क्या हो जाएगा वो वन आवर तो वो जो है आपको आवर्स में ऐड हो जाएगा तो ये सब आपको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि एडिशन ये सिंपल ही है बट इसमें जब सिक्सटी मिनट्स इज़ इक्वल टू वन आवर तो जब सिक्सटी मिनट्स काउंट करोगे तो वन आवर बढ़ जाएगा देख अब मैं करके दिखा रही हूँ क्वेश्चन नंबर वन देखिए अब टू आवर्स टेन मिनट्स देन थ्री आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स पहले तो हेडिंग uh, दे दोगे आवर्स टेन मिनट्स आवर्स के नीचे आवर्स देन मिनट्स के नीचे आप मिनट्स लिख लोगे फिर अब देखो अब आपको एडिशन करना है तो फाइव प्लस जीरो इज ईक्ल टू फाइव टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री दैन थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो है थर्टी फाइव मिनट्स तो थर्टी फाइव मिनट्स तो मिनट्स में आता है सिक्सटी मिनट जब ये जो है आपका सिक्सटी में जब आ जाएगा तब इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी फोर आवर्स फाइव मिनट्स एंड फाइव आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स तो अगेन आपको पहले हेडिंग देके आवर्स के नीचे आवर्स देन मिनट्स के नीचे मिनट्स लिखना है अब आप ऐड करोगे तो फाइव प्लस फाइव जीरो दैन वन कैरी फिर आपको आया फोर प्लस वन इजल टू फाइव दैन यहाँ फाइव प्लस फोर नाइन तो यहाँ आया सिक्सटी मिनट आपका सिक्सटी फिफ्टी मिनट्स ओके तो ये भी मिनट्स में काउंट हो रहेगा देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर सी क्या है वन आवर्स थर्टी फाइव मिनट्स दैन नाइन आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स अब इसे भी काउंट ऐड uh, करेंगे तो आप देख सकते हो मैंने आवर्स और मिनट्स का हेडिंग दिया देन आवर्स के नीचे आवर्स देन मिनट्स के नीचे मिनट्स लिखा अब आप देखो यहाँ क्या है थर्टी फाइव मिनट्स देन यहाँ ट्वेंटी फाइव मिनट्स आप जब ऐड करो फाइव प्लस फाइव टेन का जीरो देन वन कैरी हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स तो अब आप देखो यहां पे क्या आ गया आपका सिक्सटी मिनट्स आ गया ना तो अब आपको यहां क्या करना वन आवर्स इज इक्वल टू मिनट्स ओके तो अब आप देखो जब सिक्सटी मिनट्स आ गया आपका यहां तो सिक्सटी आया तो सिक्सटी मिनट्स इज इक्वल टू वन आवर्स यानी कि ये मिनट्स में आप इसको नहीं लिख सकते हो ठीक है जैसे आपको सिक्सटी तक आ गया सिक्सटी से अपनी सिक्सटी भी आया इट मीन्स आपको क्या हो गया वन आवर तो अब यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे ये आवर जो हो जाएगा आपका कन्वर्ट होके वन मिनट जो है वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो आप इसको यहाँ ऐड कर लोगे अब आप यहाँ ऐड करोगे नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस ये वन आवर को आप इसमें ऐड कर लोगे इसमें ऐड करना है तो टेन प्लस वन इलेवन तो ये आपका इलेवन आवर्स हो जाएगा ठीक है तो ये बस आपको समझना है यहाँ जब भी आप मिनट्स में जब ऐड करोगे सिक्सटी सिक्सटी देन सिक्सटी से अब आया तो बस आपको इधर आवर्स में काउंट करना है जैसे आपको यहाँ सिक्सटी आया तो सिक्सटी इज इक्वल टू टू वन आवर आएगा तो वन एग्जैक्ट वन आवर तो वन आवर को आपने सेंड कर दिया बट वन आवर और ज़्यादा मिनट्स रहेगा तो मिनट्स को आप यहाँ लिखोगे और आवर्स को आप आवर्स में कन्वर्ट सेंड uh, कर दोगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन एफ पे आते हैं सी ई पे सेवन मिनट्स ओके एंड सेवन मिनट्स फोर्टी नाइन मिनट्स सेवन आवर्स फोर्टी नाइन मिनट्स देन एट आवर्स फिफ्टी मिनट्स तो आप देख सकते हो मैंने इसे हेडिंग uh, दे के कन्वर्ट करके कॉलम uh, वाइज़ लिख लिया अब आप देख सकते हो अब यहाँ क्या करना है इस दोनों को पहले मिनट्स को काउंट करना है नाइन प्लस ज़ीरो इजकल टू नाइन देन फोर प्लस फाइव नाइन तो आपका आ गया नाइन्टी नाइन मिनट्स तो अब आपको क्या करना है नाइन्टी मिनट्स वन आवर इजक्ल टू क्या होता है सिक्सटी मिनट्स वन आवर इजकल टू सिक्सटी मिनट्स ओके okay, तो अब आपको क्या करना है नाइन्टी नाइन मिनट्स आ गया तो सिक्स नाइन्टी नाइन से क्या करोगे सिक्सटी को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा नाइन देन आ गया आपका सिक्स थ्री थर्टी नाइन तो ये जो आया आपका ये मिनट में आ गया ये जब आप सिक्सटी सबसेक्ट uh, करोगे तो आपका थर्टी नाइन मिनट्स आया सिक्सटी मिनट्स देन थर्टी नाइन आपका सिक्सटी मिनट्स दैन थर्टी नाइन तो आपको क्या करना है कि सिक्सटी नाइन इज इक्वल टू क्या होगा वन आवर ओके और ये थर्टी नाइन मिनट्स इसे तो आप आवर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे तो एग्जैक्ट थर्टी नाइन जो है आप लिखोगे यहाँ देन वन आवर जो है आप इसको यहाँ पे सेंड कर दोगे अब इसको आप क्या करोगे एट प्लस सेवन कितना होगा फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस वन तो ये हो गया सिक्सटीन तो सिक्सटीन आवर्स थर्टी नाइन मिनट्स Okay. ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 3 hours, minutes and 5 hours, minutes. तो अगेन आपने लिखा, अब आप देखो, इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 100, 100 minutes आया। प्लस फिफ्टी हंड्रेड मिनट्स अब आपको क्या करना है One hour is to, कितना होता है? 60 minutes. ओके okay, तो अब आपको सिक्सटी क्या करना है तो हंड्रेड से आपको क्या करोगे सिक्सटी uh, लेस करोगे तो क्या आ जाएगा फोर्टी ओके okay, तो फोर्टी जब आ गया आपका तो आप क्या करोगे तो ये जो सिक्सटी आप लस किए ये तो आवर्स में आ गया देन ये जो आपका बच्चा ये मिनट्स में आ गया तो आपको ये जो है मिनट्स में लिखना है फोर्टी यहाँ देन आपका फोर्टी uh, मिनट्स हो गया अब आपको वन आवर्स को क्या करना है यहाँ पे एड कर देना है तो फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस वन नाइन तो आपका क्या आ जाएगा नाइन आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स ओके ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट आते हैं एफ नंबर पे फाइव आवर्स फिफ्टीन मिनट्स एंड फाइव आवर्स फॉर फिफ्टी फाइव मिनट्स इसे भी मैंने ऐसे लिखा देन आपको क्या करना है ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या करोगे फिफ्टीन फाइव प्लस फाइव सिंपली आप कर लोगे फ़ाइव प्लस फाइव जीरो टेन टेन का जीरो दैन वन कैरी फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स और वन सेवन सेवेंटी मिनट्स आपका आ गया अब इसे भी क्या करोगे वन आवर्स इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स तो आपको क्या करना है सेवेंटी माइनस सिक्सटी करोगे तो आ जाएगा टेन टेन मिनट्स है ना तो ये जो है ये मिनट हो गया देन इधर का जो है आवर्स तो आपको क्या करना है कि वन आवर्स को यहां, इसे सेंड कर देना तो आपको इधर सेंड कर देना तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे टेन मिनट्स देन आपको यहाँ जो है वन क्या सेंड कर देना है फाइव प्लस फाइव टेन देन वन इलेवन तो एलेवन आवर्स देन टेन मिनट्स ये हो गया आपका आंसर तो इस तरह से आपको क्या है इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये जो फॉर्मेट मैंने बताया था वन आवर इजल टू सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटीन सेकेंड सिक्सटी सेकेंड तो ये सारा फॉर्मेट को आपको अच्छे से लर्न करना है जैसे यहाँ पे ज़्यादा सिक्सटी तक फिफ्टी uh, फाइव तक फिफ्टी नाइन तक आया तो भी ठीक है सिक्सटी जहाँ आया वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेस्ट बच जाएगा वो आपको मिनट्स में लिख दोगे तो जैसे यहाँ सिक्सटी आया तो मैंने वन आवर्स में कन्वर्ट कर दिया यहाँ आया थर्टी नाइन तो आपको यहाँ पे आया, आया आपका नाइन्टी नाइन तो इससे मैंने सिक्सटी को लेस कर दिया देन जो बचा वो आपको मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay, तो इस तरीके से आपको इसमें करना है तो सबसे पहले आपको जब भी ज़्यादा जैसे सिक्सटी तक आए या सिक्सटी से ज़्यादा आए ना तो आप पहले वन आवर्स इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स आप लिखोगे ज़रूर उससे क्या होगा कि ये जो आ, फॉर्मेट है ये आप भूलोगे नहीं और किस तरह से आपको करना है ये आप बार बार करने से क्या होगा लर्न हो जाएगा ओके okay? तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पे लिखती हूँ और आपको भी बार बार लिखने की हैबिट बोलती हैं डालने क्योंकि ऐसे लिखने से ही आपको लर्न होगा क्योंकि आपके लिए ये सारे चीज़ें जो है न्यू हैं तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा और बार बार लिखने से क्या होगा ना कि आप एकदम एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा देन आपको लर्न भी हो जाएगा बार बार एक ही चीज़ लिखोगे ना तो आपको वो हैव एविचटेड हो जाओगे कि इसका यही होता है ठीक है नाव अब अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन तो नंबर टू पे वट टाइम विल बी बिल इट बी ओके तो आपको क्या टाइम होगा ये बताना है तो टू आवर्स आफ्टर थ्री थर्टी ए एम तो थ्री थर्टी ए एम के बाद टू आवर्स बीतने पे आपको क्या टाइम होगा तो टाइम बताना है कि uh, थ्री थर्टी के टू आवर्स बाद क्या टाइम होगा ओके okay. तो सब इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले क्लॉक बना लेना होगा एक सिंपल सा आप करोगे सिंपल से करोगे भले टाइम आपको ज़्यादा लगेगा बट आपको टाइम लगेगा प्लस आपको बार बार ड्राइंग बनाने का लेकिन ये भी तो सोचो आप कि ड्राइंग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एक तो क्लॉक बनाना सीख लोगे और दूसरे क्या होगा कि आप वो जो है ना कैलकुलेट करना सीख जाओगे कि कैसे हम आ, इस, इसको कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन को तो आपको सबसे पहले क्लॉक बनाना होगा क्वेश्चन ए टू आवर्स आफ्टर थ्री थर्टी मिनट्स तो देखो आप मैंने भी यहाँ पे पहले तो क्लॉक बना लिया क्योंकि मुझे भी सीखना है ठीक है तो मैं सोचूंगी कि आप भी सीखो क्योंकि इससे बनाने से क्या होगा एक तरह से आप ड्राइंग भी बनाना सीख लोगे और दूसरा क्या है कि आपका मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा गया है कि थ्री थर्टी तो आपको थ्री यानी कि आपका जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ जाएगा लॉन्ग हैंड आएगा थर्टी यानी कि आवर्स थ्री देन लॉन्ग हैंड जो है थर्टी आगे अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इससे क्या है आपको टू आवर्स मैंने थ्री थर्टी तो थ्री थर्टी से टू आप थ्री थर्टी थर्टी प्लस आप क्या करोगे टू आवर्स मिनट्स तो नहीं है तो सिर्फ टू आवर्स एड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका थर्टी देन यहाँ आ जाएगा फाइव यानी आपका क्या हो जाएगा फाइव थर्टी ओके तो ये जो है आपका क्लाक जो है वो बढ़ के क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइव थर्टी इस तरीके से आ जाएगा है ना तो इस तरीके से आप करोगे आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी डायरेक्ट आप सोल्यूसन करके कर सकते हो बट आप डायग्राम से करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इसलिए आप कोशिश करो कि आप ड्राइंग बनाकर ही करो ठीक है तो वैसे मैंने कर दिया यहाँ पर थ्री थर्टी प्लस टू आवर्स को ऐड करना है ऐड किया तो वही आंसर आएगा बट इसमें भी करोगे तो वही आवर्स आएगा तो टू आवर्स बाद क्या टाइमिंग हो जाएगा तो आपका आ जाएगा फाइव थर्टी ए एम ओके टू आवर्स बढ़ने के बाद ए एम ही रहेगा पी एम नहीं होगा आपका इसलिए ए एम पी एम पी भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो आपकी आपका आ, मतलब मॉर्निंग ए एम इट मीन्स मॉर्निंग पी एम इट मीन्स आफ्टरनून अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थ्री आवर्स टेन मिनट्स आफ्टर वन ट्वेंटी फाइव ए एम तो आपको क्या करना है अगेन सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाना है आपको ओके okay, पहले ड्राइ डायग्राम बना लोगे आप उसके बाद क्या करना है टाइम जो बताया गया है वन ट्वेंटी फाइव इट मीन्स शॉर्ट हैंड जो है वन पे रहेगा देन लॉन्ग हैंड जो है आपका ट्वेंटी फाइव ओके तो ये हो गया हमारा ड्राॅइंग मतलब ये टाइम हो रहा आपको टेन मिनट्स तो टेन मिनट्स एवरी नंबर पे फाइव फाइव मिनट्स है तो आप फाइव मिनट्स यहाँ देन फाइव यहाँ तो आपका कितना पहुँच जाएगा टेन तो इट मीन्स सिक्स सेवन सेवन पे जाएगा और टेन मिनट्स आपका कंप्लीट तो सेवन पे जाने के बाद यहाँ टेन मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा वन थर्टी ट्वेंटी फाइव ए प्लस आपको सिर्फ टेन मिनट्स जो ऐड करना है ओके टेन मिनट्स तो मिनट्स को आप मिनट्स के कॉलम में लिखोगे देन आवर्स थ्री आवर्स थ्री आवर्स को आप आवर्स के नीचे लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा फाइव ओके देन थ्री देन यहाँ आ जाएगा फोर तो फोर थर्टी फाइव होगा बट आपको क्या करना है कि आपको डायग्राम बना के देखना है कि आपने क्या किया कहा 125, 125, फाइव वन ट्वेंटी आवर्स यानी two से one uh, two, uh, से आपको बढ़ के टू एंड half पे आ जाएगा then three एंड अ half पे आ जाएगा ओके ठीक है तो इस तरह से ये देन one आवर four एंड अ half आ जाएगा और इस तरीके से आपका आ जाएगा four thirty five तो कॉन्सेप्ट क्लियर एडिंग करो प्लस ड्राइंग बना के आप समझने की भी कोशिश करो कॉन्सेप्ट आप इससे भी हो सकता है एडिशन सब्सट्रैक्शन से बट ड्राइंग आप एक, बनाना ही होगा आपको इससे क्या होगा आपका डाउट जो है क्लियर कि कैसे वॉक uh, कर रहा है ये घड़ी के जो कांटे हैं जो हैंड्स हैं वो कैसे वॉक कर रहे हैं टू आवर्स कितने बैठ के कहाँ जा रहे हैं थ्री आवर्स बैठ के कहाँ जा रहे हैं तो आपको क्या है कि आपको वन थर्टी जो एम था वो थ्री आवर्स टेन मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा फोर थर्टी फाइव ए एम ओके okay. एम क्योंकि ट्वेल्व ओ के बाद वो एम पी एम में कन्वर्ट होगा और ट्वेल्व आवर से पहले ट्वेल्व से पहले जितनी भी भर जाए जो ये ए एम है तो एम ही रहेगा पी एम है तो पी एम ही रहेगा लेकिन आफ्टर ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद जो है वो आपका चेंज होने लगेगा ठीक है तो अभी तो आपका यहाँ वन थर्टी से स्टार्ट हुआ देन टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी तो आपको तो यही है ट्वेल्व तक तो पहुँचा ही नहीं तो इसलिए आपको क्लॉक बहुत ज़रूरी है समझने के लिए अब आते हैं नेक्स्ट फाइव आवर्स आफ्टर टेन सेवन टेन ए एम तो आपको अगेन क्या करना है ड्राइंग बनाना है सबसे फ, मस्ट और ड्राइंग बना के उसके बाद क्या करना है टाइम पहले मेंशन करना है तो आपको क्या है सेवन तो शॉर्ट हैंड सेवन पे रहेगा देन टेन लॉन्ग हैंड जो है आपका टू पे रहेगा ओके तो सेवन टेन हो गया अब क्या है फाइव आवर्स आफ्टर तो फाइव आवर्स आप काउंट करो तो फाइव आवर्स क्या होगा सेवन से एट यहाँ हो गया वन आवर्स ओके ये टू आवर्स देन ये थ्री आवर्स ये फोर आवर्स देन ये फाइव आवर्स ठीक है तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव आवर्स तो फाइव आवर्स बढ़ गया देन आपको फाइव आवर्स तो हो जाएगा ट्वेल्व और टेन ट्वेल्व टेन हो जाएगा होगा ना आप ऐड ही भी करूँ सेवन टेन न फाइव आवर्स तो आपका आ गया टेन देन था ट्वेल्व तो ट्वेल्व आवर्स आ गया ट्वेल्व टेन तो आफ्टर ट्वेल्व क्या हो जाएगा ये आप खुद से सोच के देखो ये आपको ए एम में दिया है ये आपको मैंसन किया हुआ है ए एम में बट आप जब फाइव आवर्स उसमें ऐड कर लोगे फ़ाइव आवर्स क्लाक जब आगे बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा ट्वेल्व टेन तो आफ्टर ट्वेल्व क्या हो जाएगा ये पी एम पी हो जाएगा ओके okay. तो इसलिए आप क्लॉक वाइस बार बार करोगे इससे आफ्टर हो रहा या आ, मतलब ई एम है या पी एम है यदि आप ट्वेल्व से पहले ही रखोगे तो वो ई एम में रहता लेकिन ट्वेल्व आफ्टर ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद क्या हो जाएगा पी एम ये पी एम में कन्वर्ट हो जाएगा इसे आपको याद रखना है कि कब ई एम रहेगा ई एम में दिया जाए और जो ऐड किया गया आपने और उसके बाद ट्वेल्व से ज़्यादा हो जाता है तो वो पी में हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर आवर्स ट्वेंटी मिनट्स आफ्टर सेवन थर्टी ए एम अब आप देखो सेवन थर्टी तो आपको अगेन कन्वर्ट करना है सेवन थर्टी इट मीनस आपको लॉन्ग हैंड जो है वो शॉर्ट हैंड जो है सेवन पे रहेगा सेवन से थोड़ा आगे देन लॉन्ग हैंड जो है वो आपको सिक्स पे आ जाएगा ओके okay, तो ये हो गया आपका सेवन थर्टी अब आपको क्या करना है फोर आवर्स आफ्टर तो सेवन से सेवन से आगे है तो ये एट से आगे जाएगा वन आवर नाइन्थ से आगे जाएगा टू आवर्स ओके नाइन्थ से आगे टू टू आवर्स टेन से आगे थ्री आवर्स टेन एलेवन से आगे थ्री आवर्स लेकिन एलेवन ट्वेल्थ से आगे जो जाएगा वो हो जाएगा फोर आवर्स ठीक है तो ये फोर आवर्स हो गया तो अब आप देखो फोर आवर्स इट मीन्स ट्वेल्व से आफ्टर ट्वेल्व हो गया तो इसे भी आप कैसे लिखोगे आप देखो अब यहाँ ऐड भी कर लेते हैं देन यहाँ हो गया फोर देन ट्वेंटी फाइव तो आप देखो यहाँ आ गया फाइव देन यहाँ थ्री टू फाइव देन यहाँ यहाँ आ गया आपका इलेवन एलेवन आ गया तो आपका क्या हुआ इलेवन आवर फिफ्टी फाइव मिनट्स इट मीन्स आपको फिफ्टी फाइव मिनट्स इलेवन आवर तक पहुँचा एलेवन पार कर चुका है ट्वेल्व से पहले यानी फाइव यानी आपका राइट जब क्लॉक जब बढ़ेगा तो आपका कहाँ आ जाएगा आपको देखिए ट्वेल्व देन सिक्स यहाँ थ्री दैन नाइन तो यहाँ फोर फाइव सेवन एट टेन एलेवन वन टू हो गया अब आपको क्या करना है इलेवन फिफ्टी फाइव इलेवन में इट मीन्स शॉर्ट हैंड जो है इलेवन पे रहेगा एलेवन से आगे ट्वेल्व से के तक रहेगा देन ट्वेल्व के पास पहुँच जाएगा ये ट्वेल्व पार नहीं करेगा ट्वेल्व तक देन शॉर्ट हैंड फिफ्टी फाइव यानी कि यहाँ एलेवन तक तो अब आप, आप देखो ट्वेल्व क्रॉस तो नहीं किया है आफ्टर ट्वेल्व पी एम से एम से पी एम हो कन्वर्ट होता है लेकिन ट्वेल्व से यदि एक मिनट भी पहले रहेगा तो आपका कंप्लीट नहीं होगा तो अब इसे क्या लिखोगे आप एम या पी एम सोचो तो आपको एलेवन तक ही है ट्वेल्व पार नहीं किया है ट्वेल्व क्रॉस नहीं कर पाया है तो आप इसे भी ए एम में ही लिखोगे ठीक है ये सब ध्यान देने के लिए है क्योंकि ये सब नहीं क्लियर करोगे ना तो एम पी एम में भी आपका मार्क्स कट हो जाएगा जहाँ आपने कन्वर्ट कर दिया ना मान लो आपने लिख दिया अलेवन फिफ्टी फाइव पी एम तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आफ्टरनून और मॉर्निंग में डिफरेंस है ना आप सोचो मॉर्निंग सेवन ओ क्लाक में इस्कूल खुलती है ना आपकी और आपको बोल दें कि तो एलेवन एम बोलेंगे इट मीनस आपका टाइमिंग राइट टाइमिंग है और इलेवन सेवन पी एम मैंने बोल दिया तो यानी कि मैंने रॉन्ग बोला तो सेम कंडीशन है इसलिए आप एम पीएम में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो ओके सो अवर दिस वर्क सिट इज कंप्लीटेड होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो